गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ओके, नाउ कॉस्ट प्राइस इज ₹12,000 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹10,000। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, मतलब हमने ज्यादा में खरीदा और कम में सेल कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, मतलब अल्टीमेटली हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉस प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रुपीज 12,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 0, 0, 0 and 2, रुपीज 2,000, मतलब हमें 2,000 रुपीज का लॉस हुआ। नाउ लेट्स सी, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 1,800, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 2,400। ठीक है, यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मतलब हमने कम में खरीदा और ज्यादा में सेल कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब हमें अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस 1800। ठीक है, 0, 0 एंड इट बिकम 14, इट बिकम्स 1, 14 माइनस 8 इट बिकम्स 6, रुपीज 600 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉस्ट प्राइस रुपीज 2,400, प्रॉफिट इज रुपीज 400। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है, और प्रॉफिट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब हमने जिस रेट पर खरीदा है उससे ज्यादा रेट पर सेल किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस में जितना खरीदा था उसमें हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया और उसको सेल कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे प्रॉफिट से, तो ऐड हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, 0, 0, 4, 4, 8 and 2 मींस रुपीज 2,800 हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ठीक है, नाउ इन पार्ट सी, सेलिंग प्राइस इज 2,900 एंड प्रॉफिट इज रुपीज 100। ठीक है, यहां भी हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और हमारे पास क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके हमने उसको सेल कर दिया 2,900 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट प्राइस था वो कम था और उसमें हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया और ज्यादा में उसको सेल कर दिया। तो कितने ज्यादा में सेल किया, 100 रुपीज ज्यादा में सेल किया। तो सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस को एंड रुपीज 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 0, 0 and 8 and 2 रुपीज 2,800। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके, इन यू विल डू ऑल क्वेश्चंस। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।